तो हम लोग समझेंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, इसके अलावा हम समझेंगे डोलरम क्या होता है, इसके अलावा हम समझेंगे कि आपका ITCZ क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम बहुत नई लग रही हैं, बट थोड़े देर बाद नहीं लगेंगी, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। थर्टी डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इसका नाम क्या था? और इसको इसका नाम क्या था सबसे पहले मुझे बताइए, इस प्रेशर बेल्ट का नाम क्या था? इस प्रेशर बेल्ट का नाम क्या था? सही में इक्वेटोरियल लो प्रेशर है ये। हाँ, आंख से अंधे हैं आप। थर्टी डिग्री नॉर्थ इक्विटोरियल लो प्रेशर है। ठीक है, चलिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। नाउ टेल मी वन थिंग, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला बेल्ट जो है वो सर वहां पे कैसा प्रेशर है? वहां पे हाई प्रेशर है। ये जो चीज है ये प्रेशर बेल्ट का नाम है। आई रिपीट, इस प्रेशर बेल्ट का नाम क्या है? इस प्रेशर बेल्ट का नाम क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे इस हाई प्रेशर के कारण कुछ कुछ कंडीशंस जनरेट होते हैं, कुछ कुछ ज्योग्राफिक कंडीशन जनरेट होता है, ठीक है। उस कारणवश इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या है क्या नहीं है हम लोग समझेंगे। इस बेल्ट को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस बेल्ट को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं। सुनिएगा, सबसे पहला चीज सर, हॉर्स लैटिट्यूड अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर से रिलेटेड है क्या? हॉर्स लैटिट्यूड मैंने बोला है सर, हॉर्स लैटिट्यूड इतना ही समझिए कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं समझा दूंगा, सुनिएगा ध्यान से। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को बोलते हैं। अच्छा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में एयर अपलिफ्ट करता है कि सिंक करता है? सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से, एयर अपलिफ्ट करता है कि सिंक करता है? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री सर एयर सिंक करता है। एयर सिंक करता है मतलब यहाँ पे सिंकिंग ऑफ एयर है, यहाँ पे एयर सिंक करेगा। क्यों एयर सिंक करता है सर? बिकॉज इट्स अ जोन ऑफ हाई प्रेशर, इट्स अ हाई प्रेशर जोन, इट्स अ हाई प्रेशर बेल्ट। हमने देखा है सर, हाई प्रेशर में हमेशा क्या होता है, एयर विल बी इन सिंकिंग नेचर, एयर विल बी गेटिंग सिंक्ड, ओके, एयर अपलिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज देखा, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि हॉर्स लैटिट्यूड आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर से रिलेटेड है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा सर इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते क्यों है, तो वो मैं थोड़ा देर बाद समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उससे पहले मेरा थोड़ा हेल्प कीजिएगा, मैं भूल चुका हूँ यार कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में स्टेबल कंडीशन होगा कि अनस्टेबल कंडीशन होगा? कहीं तो पढ़ा था ये चीज। चलो इससे इजी मैं पूछ लेता हूँ कि 30 डिग्री, अच्छा, वेरी गुड सर। मैंने बताया था कि ज्योग्राफी के लैंग्वेज में रेनफॉल जहां भी होगा, रेनफॉल जहां भी होगा उसको हम लोग अनस्टेबल बोलेंगे, रेनफॉल जहां भी होगा उसको हम लोग अनस्टेबल कंडीशन बोलेंगे, और जहां पे रेनफॉल होने का संभावना ही नहीं है उसको हम लोग स्टेबल कंडीशन बोलेंगे, ठीक है, स्टेबल कंडीशन बोलेंगे। सर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में स्टेबल कंडीशन होता है कि अनस्टेबल कंडीशन होता है? मैंने बताया कि यहाँ पे सिंकिंग ऑफ एयर होता है, ठीक है, सिंकिंग एयर सिंकिंग सिंक होते रहता है। एयर जब सिंक होगा सर वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, सर जब क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वहां पे बारिश कैसे होगा? बारिश नहीं होगा, दैट्स वाई हॉर्स लैटिट्यूड में सर स्टेबल कंडीशन होता है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड में
स्टेबल कंडीशन होता है, ठीक है। इसके अलावा सर एक बात बताइएगा, जी बताएंगे, इस जगह पे क्या आपको हवाएं चलते हुए दिखेंगी, मतलब क्या इस जगह पे आपको हवाएं चलते हुए दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी, सुनिएगा ध्यान से, ये एक प्रेशर बेल्ट है, ये एक पूरा प्रेशर बेल्ट है। आपको क्या प्रेशर बेल्ट मतलब क्या 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर में ही चेंजिंग होते में दिख जाएगा? नहीं दिखेगा सर। इसके आसपास के कुछ डिग्री तक ना आपको सेम प्रेशर दिखेगा, वहां पे हवाएं चलती ही नहीं है, ना ऐसे हवाएं चलेंगी ही नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि सर वहां पे प्रेशर डिफरेंस बनता ही नहीं है उतना। अच्छा आप ही समझिए ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक ही लैटिट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब 30 डिग्री और 31 डिग्री के बीच में, सोचिए लैटिट्यूड भी कि 31 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में आपका हॉर्स लैटिट्यूड आता है, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दो लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, दो लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है? सर 111 मीटर क्या किलोमीटर, सोचिए 111 किलोमीटर तक आपको कोई प्रेशर डिफरेंस फील ही नहीं हो रहा है, 111 किलोमीटर तक आपको कोई प्रेशर डिफरेंस ही फील नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, ये जो बेल्ट है ना ये थोड़ा 2-3 डिग्री ऊपर नीचे समझ लीजिए आप लोग, मतलब सर अच्छा खासा किलोमीटर में अच्छा खासा, मान लीजिए कि दो लैटिट्यूड मतलब फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री नॉर्थ और 32 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको हॉर्स लैटिट्यूड देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको हाई प्रेशर दिख रहा है, प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, वहां पे हवा बहेगा ही नहीं। अब समझिए अगर दो लैटिट्यूड का भी बात कर रहे हैं ना सर, तो कितना किलोमीटर हो जा रहा है, 222 किलोमीटर, मतलब 222 किलोमीटर के एरिया में प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, मतलब पूरे 222 किलोमीटर में आपका हवा बहेगा ही नहीं, हवा बहेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। सर ज्योग्राफी के टर्म्स में जब भी हवा ना बहने का कंडीशन होना कि हवा नहीं बहेगा, हवा विंड नहीं है, विंड फ्लो नहीं कर रहा, तो वैसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, काम कंडीशन, काम कंडीशन, जो ना इंग्लिश में काम डाउन काम डाउन काम डाउन, वो क्या बोल रहा है, रुको जरा सबर करो काम डाउन, ठीक है। तो विंड यहाँ पे फ्लो नहीं करता है हॉर्स लैटिट्यूड वगैरह में, काम कंडीशन होता है। चलिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हॉर्स लैटिट्यूड में स्टेबल कंडीशन नहीं है, ट्रू या फॉल्स, स्टेबल कंडीशन नहीं है, सर झूठ बोल रहा है, गलत बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉर्स लैटिट्यूड में हॉर्स लैटिट्यूड में काम कंडीशन है कि नहीं है, काम कंडीशन है कि नहीं है, जी ओके सर काम कंडीशन, ठीक है काम कंडीशन, समझ में आया सभी को, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भैया अब इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, आई एम मेकिंग इक्वेटर फॉर योर रेफरेंस, बहुत मतलब रोमांचक स्टोरी है, लोग इस स्टोरी को सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और समझ में आता उनको, अच्छा ज्योग्राफी तो इतना भी हार्ड नहीं है। देखिए जो हवाएं कैसे बहती हैं सर, ऐसे बहती हैं या फिर प्रैक्टिकली बोल लो तो ऐसे बहती हैं, हाँ जी ऐसे बहती है। अब जो इसको सर ट्रेड विंड्स भी क्यों बोलते हैं, पता है इसको ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं, सबसे पहले व्यापारिक पवने क्यों बोलते हैं, व्यापारिक पवने इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये पवन व्यापार करने में हेल्प करता है। सर आज से बहुत साल पहले 200-300-400 साल पहले जब मोटर वाला सिप नहीं हुआ करता था, आज तो देखेंगे एकदम खतरनाक मोटर वोटर वाला सिप आ जाता है, एकदम इलेक्ट्रिक वाला या फिर डीजल वाला कुछ बोल दिए, कुछ दिन बाद लगेगा कि नहीं आपको पेट्रोल भी डालने का जरूरत नहीं है, ऐसा मोटर लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो आज देखेंगे तो बहुत हाई फाई वाला आपको सिप मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आज से 400-500 साल पहले ऐसा स्थिति नहीं था सर। तो जिसको भी ट्रेवल करना है वो लोग किसके मदद से ट्रेवल करते थे सर, विंड्स को यूज करके, वो लोग विंड्स के डायरेक्शन को
का हेल्प लेके, विंड का डायरेक्शन का हेल्प लेके दुनिया में एक जगह से दुनिया में दूसरा जगह जाते थे, ठीक है, दुनिया में एक जगह से दूसरा जगह जाते थे। और इस कोऑर्डिनेट में, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में मैक्सिमम आपका ट्रेडिंग का सिस्टम था। आप ही देखिए ना, इन दो कोऑर्डिनेट में आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट दुनिया इसी कोऑर्डिनेट में, मेजर मेजर देश समा गए इसी कोऑर्डिनेट के बीच में, और यहीं पे ट्रेड्स वगैरह थोड़ा प्रीविलेंट था, ठीक है। और वो ट्रेड क्यों हो पा रहा था? सर ये ईस्टर्ली विंड्स के कारण, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रख दिया गया, व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब सुनिएगा सर, यहां पे पहुंच के, यहां पे कोई पहुंचा है, यहां पे कोई पहुंचा है, फॉर एग्जांपल सिप लेके इधर आ रहा है, इधर सिप लेके आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब कोई सिप लेके आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से इधर कोई सिप लेके आएगा तो कब तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा मस्त एकदम चल रहा है, एकदम हवा चल रहा है, एकदम खतरनाक तरीका से हवा के डायरेक्शन में सिप आगे बढ़ेगा। लेकिन पता है जब 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 सिप जो है, जो उन लोग का बड़ा बड़ा सिप होता था, वो जब हॉर्स लैटिट्यूड के पास रहता था तो उसका सिप आगे ही बढ़ना बंद कर देता था। क्यों सर? मैंने अभी बताया, हॉर्स लैटिट्यूड के पास क्या हवा बह रही है? जल्दी से काम कंडीशन है कि नहीं है वहां पे? सर काम कंडीशन है, हवा नहीं बह रही है, काम कंडीशन है। अब हवा ही नहीं बह रही है तो क्या आपका सिप आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा सर? मतलब सोचो, पूरे 111 किलोमीटर तक लैटिट भी की वहां पे एक ही डिग्री में हॉर्स लैटिट्यूड है, हॉर्स लैटिट्यूड 111 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल हवा नहीं बह रहा है, फिर सिप आगे कैसे बढ़ेगा? सिप आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा सिप आगे। तो उस वक्त जो लोग थे ना, अपने सिप में बहुत सारे घोड़े भी लाद के चलते थे। क्यों घोड़े लाद के चलते थे सर? फॉर एग्जाम्पल वो लोग ओशियन में, इंडियन ओशियन में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोग को आना है भारत की तरफ। अब इंडियन ओशन से ट्रैवल करके भारत की तरफ उनको पहुंचना है, वो भारत पहुंच गए, ठीक है, लेट इट बी कि पहुंच गए। अब भारत का जो क्या बोलते हैं, प्लेस है, जो धरती है, भारत का जो धरती है, वो क्या पोर्ट से, जो कोस्टल एरिया है उससे भी तो अंदर जाना पड़ेगा, तो क्या सिप वाले के अंदर आएंगे भारत के अंदर? नहीं ना, कोई गाड़ी घोड़ा चाहिए ना। अब उस वक्त तो ओला का तो सिस्टम था नहीं कि ओला बुक करके आ जाएंगे, ओला बुक कर दिए, गाड़ी अभी आ रहा है मेरा, नहीं, वो लोग को हॉर्सेस चाहिए ताकि वो जो मैदानी इलाके हैं उसके अंदर जा सकें, ठीक है। इसीलिए वो लोग अपने सिप में हॉर्सेस भी लेके घूमते थे, घोड़े भी लेके घूमते थे। अब देखो भैया, यहाँ पे जब हवा बहना बंद हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड जब वो लोग क्रॉस करते थे, तो यहाँ पे आपको हवा ही नहीं दिखता, हवा दिखता ही नहीं था, हवा बहता हुआ ही नहीं दिखता था, तो उसका सिप भी आगे नहीं बढ़ता था, वो लोग का सिप भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अब सिप आगे नहीं बढ़ रहा तो क्या दिमाग लगा था वो लोग, कि सिप में जितना भी वेट है ना उसको कम कर दो। अब कम कैसे करें? देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो वेट है वो घोड़ा लोग के कारण है। अब जब अपना जान पे वो लोग देख लेते थे ना कि मेरा जान पे बना हुआ है, तो घोड़ा लोग को पानी में फेंक देते थे, घोड़ा लोग को पानी में फेंक देते थे सर। घोड़ा लोग को पानी में फेंक दिया, That's why ये कहा गया घोड़ा लैटिट्यूड हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। ये स्टोरी अच्छा था, समझ में आया इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते थे? कोई मतलब यही रीजन है, रीजन यही है, ठीक है, कोई ज्योग्राफिकल साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। समझ में आया सभी को? एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज ITCZ? अब ये क्या है ITCZ? इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नाउ मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कन्वर्जेंस जोन बोल रहा है तो वो हाई प्रेशर के बारे में बात कर रहा है कि लो प्रेशर के बारे में? सबसे पहला चीज, हाई प्रेशर के बारे में बात कर रहा है कि लो प्रेशर के बारे में?
ये कहाँ पढ़ाया था आपने? फर्स्ट ईयर पढ़ाया होगा सर, देख लेना। सर कन्वर्जेंस जोन हमेशा लो प्रेशर से रिलेटेड का होता है, ठीक है, मतलब करंट, लाइक सीरियसली हाउ करंट इज रिलेटेड हियर। पता नहीं आप लोग का अलग ही आंसर आता है। सर इट इज रिलेटेड विथ लो प्रेशर एरिया, मतलब ये लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बात कर रहा है। नाउ दिस इज आवर अर्थ सर, 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री जो है सर एक लो प्रेशर जोन है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। ये जो ITCZ जो है ना, ये भी रिलेटेड है विथ 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ 0 डिग्री, इट इज रिलेटेड विथ 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री से रिलेटेड है, मतलब पूरे 0 डिग्री वाला जो भी लैटिट्यूड है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सर ये क्या है? ये एक प्रेशर बेल्ट है, याद रखिएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रेशर बेल्ट ओनली, ये एक प्रेशर बेल्ट ही है, इसीलिए तो सर ये कन्वर्जेंस जोन वगैरह के बारे में बात कर रहा है। देखिए इंटर ट्रॉपिकल, सर इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल चीजें यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब लो प्रेशर, मतलब इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल, और यहाँ पे एयर कन्वर्ज हो रहा है, दैट्स वाई कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पूरे इस लैटिट्यूड 0 डिग्री वाले लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इट इज रिलेटेड विथ हाई प्रेशर और लो प्रेशर? सर लो प्रेशर। बोलिए समझ में आया? अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कि ट्रेड विंड्स किस लैटिट्यूड पे मर्ज करता है, किस लैटिट्यूड पे ट्रेड विंड मर्ज करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। एग्जाम में पूछेगा कि ट्रेड विंड कहां मर्ज करता है, ठीक है, ऑप्शन में होगा ITCZ भी, तो ITCZ मार्क आइएगा, ठीक है। ट्रेड विंड या फिर स्टर्ली विंड्स मर्ज हियर। आपको अगर डायग्राम याद हो तो ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और ऐसे आ रहा था, मतलब सर ट्रेड विंड मर्ज कहां हो रहा है? ITCZ पे। ट्रेडविंड मर्ज कहाँ हो रहा है? ITCZ पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे ट्रेडविंड मर्ज कर रहा है, ठीक है, समझ में आया सभी को? एग्जाम में पूछेगा ट्रेडविंड मर्ज कहाँ करता है? सर हॉर्स लैटिट्यूड पे मर्ज करता है, ट्रू या फॉल्स? हॉर्स लैटिट्यूड पे मर्ज करता है, ट्रू या फॉल्स? झूठ बात है, झूठ बात है, बहुत बहुत झूठ वाला बात है, ठीक है। मर्ज कहाँ करता है सर? ITCZ पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये जो है बहुत ही हार्ड था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ नहीं समझना है आपको, इतना ही समझना है कि उसी प्रेशर बेल्ट का एक और नाम दुनिया में बहुत फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये भी एक प्रेशर बेल्ट है, ये किससे रिलेटेड है? लो प्रेशर एरिया से रिलेटेड है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिलेटेड है। यहाँ पर ट्रेड विंड्स मर्ज करता है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स मर्ज करता है। हम लोग आगे बढ़े। अब एक और वर्ड है सर जो बहुत फेमस है, लोगों को समझ नहीं आता है, क्या वर्ड है वो? वो वर्ड है डोलड्रम। डोल ड्रम मतलब डोल का ड्रम, डोलड्रम, डोलड्रम, ठीक है, डोलड्रम। नाउ व्हाट इज डोलड्रम? सी डोलड्रम जो है ना, डोलड्रम जो है ये रिलेटेड है आपका ITCZ के साथ, मतलब ये भी आपके 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड उसी से रिलेटेड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से ही रिलेटेड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से ही रिलेटेड है। आप जब भी याद रखें तो समझिएगा कि हॉर्स लैटिट्यूड जो काम कर रहा है ना, वही डोलड्रम काम कर रहा है,
हॉर्स लैटिट्यूड हमें क्या बता रहा है कि उस वो जो जगह है वो स्टेबल है कि नहीं है, वहां पे काम कंडीशन है कि नहीं है, वहां पे क्लाउड बनेगा कि नहीं बनेगा, वहां पे एयर सिंक कर रहा है कि अपलिफ्ट कर रहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन हॉर्स लैटिट्यूड अपने वाले लैटिट्यूड के बारे में देता है ना, वही वही इन्फॉर्मेशन डोल्ड्रम आपको देगा अपने वाले लैटिट्यूड के लिए। तो देखिए इसका अपना लैटिट्यूड कौन सा है, मतलब किस लैटिट्यूड को हम लोग डोल्ड्रम बोलते हैं सर? 0 डिग्री को, 0 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी, डोल्ड्रम जो है यहाँ पे, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड में यहाँ पे आपको सिंकिंग ऑफ एयर दिखेगा, ऐसा है क्या? नो सर, अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर दिखेगा, एयर अपलिफ्ट होता हुआ दिखेगा। दूसरा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन मिलेगा कि हाई प्रेशर जोन? 0 डिग्री पे लो प्रेशर मिलेगा कि हाई प्रेशर? बहुत बड़ा वाला गलती कर दूंगा अगर मैं हाई प्रेशर बोल दूंगा तो। ठीक है, लो प्रेशर। सर यहाँ पे वर्षा होती हुई दिखेगी कि नहीं? वर्षा का बात मत कीजिए सर, वर्षा होती हुई दिखेगी कि नहीं? होगा, अगर वर्षा होगा, रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा, अच्छा खासा रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे कंडीशन कैसा होगा सर? अनस्टेबल कंडीशन होगा। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन होगा, समझ में आया सभी को? अनस्टेबल कंडीशन होगा। सर यहाँ पे भी तो कुछ किलोमीटर तक आपको प्रेशर डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, सही बात है यार। यहाँ पे भी देखिए ना कि यहाँ पे पूरे इधर उधर थोड़े थोड़े लैटिट्यूड्स में आपको सर प्रेशर का डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे हवा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे कैसा कंडीशन होगा? काम कंडीशन। बोलो भैया, समझ में आया सभी को? सिमिलर, जैसा सिमिलर हॉर्स लैटिट्यूड में हमने देखा काम कंडीशन कैसा हुआ, सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मतलब सर डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड ये कैसा बेल्ट है? सर काम बेल्ट है, काम बेल्ट, काम बेल्ट। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछे यार उसको रिलेट करना, काम बेल्ट है। ठीक है, समझ में आया? अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क्लाउड कहाँ बनता है, डोल्ड्रम पे कि हॉर्स लैटिट्यूड पे? सर डोल्ड्रम पे बनता है क्लाउड। ठीक है, ठीक है, डोल्ड्रम पे बनता है, डोल्ड्रम पे क्लाउड बनता है। ठीक है, अगर अगर पूछ ले आपसे कि ट्रेड विंड्स मर्ज कहां करता है तो क्या बोलिएगा आप लोग? कहां करता है, किस प्रेशर बेल्ट पे करता है ट्रेड विंड्स मर्ज? फिर आज भी 0 डिग्री कैसे बोल रहे हैं आप लोग? आज आप 0 डिग्री मत बोलिए, आज उस 0 डिग्री से हम लोग ऊपर उठ गए हैं। जैसे होता है ना, जब लड़की को हम लोग देखने जाते हैं शादी के लिए तो उसको नाम से बोलते हैं, मतलब नाम से बोलते हैं, हेलो सुनीता जी, हेलो हेलो रेखा जी। शादी हो जाता है तो कैसे, आइए ना, हेलो हेलो जी, बाबू, सोना, डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं हम लोग। तो आज हम लोग उस लेवल से ऊपर उठ गए हैं, 0 डिग्री नहीं बोलेंगे अब उसको हम लोग, उसको हम लोग अब नया नाम देंगे, ITCZ। ठीक है, अब शादी हो गया हम लोग का उससे, उसको हम प्यार से बोलेंगे ITCZ। ठीक है, समझ में आया सबको? अब हमें देखना है कि दुनिया में कितनी पवने बहती हैं, दुनिया में कितना टाइप का विंड बहता है। विंड, दुनिया में कितना विंड बहता है, दुनिया में है कितना विंड, ये देखना है हमें। पूरे दुनिया में 3 टाइप का विंड बहता है, पूरे दुनिया में 3 टाइप का विंड बहता है। परमानेंट विंड, लोकल विंड और सीजनल विंड। सबको समझ में आया? अब ये क्या है, ये क्या है, सुनिएगा। परमानेंट विंड क्या है सर? कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है क्या है? ईस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर ईस्टर्ली विंड। पूरे दुनिया में ये 3 पवने जो हैं
परमानेंट विंड्स कहलाता है। बोलिए समझ में आया सभी को, मतलब क्या हमने ये वाला पिलर कंप्लीट कर लिया परमानेंट विंड वाला अच्छे से? परमानेंट विंड खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। परमानेंट विंड में किसी को प्रॉब्लम? सर परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये जो हमने प्रेशर बेल्ट दिया ये यूनिवर्सल है, आई मीन ये हमेशा रहेगा ही, जब तक बहुत ज्यादा कोई चेंजेस ना आ जाए अर्थ के स्ट्रक्चर में तब तक ऐसा बना ही रहेगा सर, ऐसा होगा ही। दैट्स व्हाई इट्स अ परमानेंट, इट्स ऑलमोस्ट परमानेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परमानेंट विंड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स, दैट इज ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स एंड पोलर ईस्टर्ली विंड्स। आई होप ऑल ऑफ यू नो बेटर देन मी व्हाट दिस थ्री थिंग्स आर, ठीक है। आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर समझ में आना चाहिए कि ये तीन चीजें हैं क्या, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीजनल विंड, लोकल विंड पे आते हैं हम लोग। सीजनल विंड क्या है सुनिएगा सर, सीजन के वक्त चलता है या फिर सीजन को कुछ सीजन जैसा कंडीशन लेके आता है, इसके कारण कुछ सीजन जैसा कंडीशन आ जाता है, ठीक है, वैसे विंड्स को बोलते हैं सीजनल विंड। तो कैसा कोई एग्जांपल दे पाइएगा क्या सर? मॉनसून याद रखिएगा, जो मॉनसून जो है ये एक सीजन नहीं है, वो एक ऋतु नहीं है सर। अब ऋतु कहां से आ गई, ऋतु का मतलब सीजन, ठीक है। तो वो एक ऋतु नहीं है, जैसे होता है ना गर्मी का दिन समर सीजन, तो समर ऋतु, ठीक है, गर्मी का ऋतु, विंटर सीजन, ठीक है, तो ठंड का ऋतु, जाड़ा का ऋतु, ठीक है। मॉनसून ऋतु नहीं, मॉनसून इज नॉट अ सीजन, इट्स अ विंड। वो सीजन जैसा दिख क्यों रहा है? क्योंकि उसको सीजनल विंड लेके आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा मॉनसून जो होता है वो विंड के कारण आता है, वो विंड से रिलेटेड, इट इज नॉट अ सीजन। जैसे अगर कभी इतना खराब कंडीशन हो जाए ना कि वो विंड बहना बंद हो जाए, तो सर बारिश होगा ही नहीं, भारत में बारिश होना ही बंद हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको। लेकिन आपको क्या गर्मी का दिन और ठंडा का दिन लाने के लिए कोई विंड का जरूरत है? नहीं जरूरत है, ठंडा का दिन गर्मी का दिन अपने आप आ जाता है। क्यों आता है? ऑप्शन वन मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, ऑप्शन वन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन टू ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन, या फिर कह लीजिए रेवोल्यूशन। बोलिए दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, घूर्णन या फिर परिक्रमा, किसके कारण सीजन आता है? घूर्णन या फिर परिक्रमा, रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन। हमने देखा है सर कि परिक्रमा के कारण आता है, रेवोल्यूशन के कारण आता है। क्यों? हमने देखा है कि रिवॉल्व जैसे जैसे पृथ्वी करती है सूरज के अराउंड, उसके अराउंड उसका जो सन का जो लाइट है वो ओवरहेड होता है डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, उसके कारण सीजन आता है। पर हमेशा याद रखिएगा मॉनसून जो सीजन है, मॉनसून मतलब पहली बात तो मॉनसून कोई रीजन ही नहीं है, सीजन ही नहीं है, वो आ क्यों रहा है? सीजनल विंड के कारण, वो विंड लेके आता है मॉनसून, ठीक है। तो सर हम लोग मॉनसून कब पढ़ेंगे? हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, इसको हम लोग रिजर्व रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिजर्व रखते हैं। इसके बाद व्हाट इज लोकल विंड, व्हाट इज लोकल विंड, लोकल विंड क्या है? लोकल मतलब सर आसपास, मतलब घर के अगल बगल, मतलब एक जगह कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोकल। जैसे लोकल का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे, आपके लोकेलिटी में आपके लोग कुछ और बोलते होंगे आपको नाम से, आप थोड़े बाहर जाएंगे तो उस लोकेलिटी में आपको कुछ और बोलेंगे। वैसे ही सर लोकल लोकेलिटी में, हमारे लोकेलिटी में भी मतलब छोटे छोटे एरियाज में भी कुछ पौने दिखती हैं हमें बहती हुई, वो रिलेटेड होती हैं कुछ पर्टिकुलर खास कंट्री से। मतलब वो जैसे कोई एक पवन है एक्स विंड जो एक कंट्री में ही बहते हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लू, आपने कभी सुना है कि अमेरिका में लू बह रहा है? नहीं सुना होगा। आपने कभी सुना है कि कनाडा में लू के मारे 5 जन हॉस्पिटलाइज हो गए? नहीं सुना होंगे। बिकॉज इट्स अ लोकल विंड, इट इज रिलेटेड विथ वन कंट्री, इट इज रिलेटेड विथ वन लोकेलिटी, ठीक है। तो वैसे पवन को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकल विंड्स, ठीक है।
तो दुनिया में तीन टाइप का विंड का सिस्टम, परमानेंट विंड, लोकल विंड, सीजनल विंड। मैं आगे बढ़ूंगा लोकल विंड्स के कारण। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए आप लोग। ठीक है चलो हम लोग लोकल विंड्स पढ़ते हैं। ठीक है लोकल टॉपिक डालिएगा लोकल विंड। लोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार कोई बताएगा लोकल को क्या बोलते हैं। चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी विंड्स हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया। ठीक है क्या है वो सर हेडिंग डालिएगा लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज लोग बचपन से पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि ये दिन को चलेगा रात को चलेगा कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। लैंड ब्रिज सी ब्रिज सर ये क्या है लोकल विंड्स है। ठीक है लोकल विंड्स है स्थानीय पवने। ठीक है लोकल विंड्स है क्यों सर लोकल विंड्स क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में दिखता है आपको कोस्टल एरियाज वगैरह में ही दिखेगा। ठीक है या फिर आप कह लिए कि जहां पे पानी है अच्छा खासा वहां पे ही दिखेगा आपको लैंड ब्रिज सी ब्रिज। ठीक है ठीक है वहीं पे दिखेगा सर आपको लैंड ब्रिज सी ब्रिज। ठीक है पानी के इलाकों के बगल अगल बगल दिखेगा। तो सर लैंड ब्रिज सबसे पहले देखते हैं कि लैंड ब्रिज क्या होता है सी ब्रिज क्या होता है व्हाट इज दिस थिंग्स विल अंडरस्टैंड। सुनिएगा सर ये है मेरा लैंड ये लैंड है। ठीक है ये जमीन है जमीन है मैं घर बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चलता रहे ये जमीन है। ठीक है ये घर है ठीक है जमीन है सर और ये है पानी ये है पानी सी ओशियन कुछ भी समझिए ये पानी है। ठीक है पानी सर सुबह का टाइम है सूरज चाचू सर पे है। ठीक है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। जीवन में याद रखिएगा कि सब मतलब सूरज की रोशनी के कारण या फिर हीट के कारण ज्यादा जल्दी गर्म कौन होगा लैंड गर्म होगा कि पानी गर्म होगा। सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने ये बहुत अच्छी बात कही आपने आप प्रैक्टिकली अगर देखें ना। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है ज्यादा जल्दी गर्म कौन होगा पृथ्वी गर्म होगी या फिर पानी गर्म होगा। आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि जब धूप रहता है तो आप देखते हैं जो धरती होता है आप धरती होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है सर तुरंत जल्दी गर्म होता है सर जल्दी गर्म होता है। अब पानी को गर्म होने में टाइम लगता है पानी को गर्म होने में टाइम लगता है ये जीवन में याद रखिएगा कि धरती आराम से गर्म हो जाता है लेकिन पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। ठीक है नाउ सुबह का वक्त है लैंड जल्दी गर्म हो गया पानी के रिस्पेक्ट में पानी अभी ठंडा ही है क्योंकि सर पानी आप ही देखिए ना एक तो ऑलरेडी पानी ठंडा ही होता है उसके बाद उसमें इसमें सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी सर ज्यादा है। लैंड क्या है सर सॉलिड है तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम है तो इजिली वो गर्म हो जाएगा लेकिन वाटर सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है स्पेसेस ज्यादा है फोर्सेस नहीं स्पेस ज्यादा है इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है तो सर हीट का ट्रांसमिशन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में उतना पॉसिबल नहीं होता है इसीलिए सर पानी जो है वो लेट से ठंडा होता है गर्म होता है और मतलब लेट से गर्म भी होगा लेट से ठंडा भी होगा और लैंड क्या है ना सर जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। समझ में आया सभी को लैंड जो है धरती जो है ये जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है और पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ठीक है आप ही देखिए ना एक बाल्टी पानी गर्म कीजिएगा कितना टाइम ले लेता है यार हाँ
इतना टाइम ले लेता है, देख रहे हैं। चलिए मतलब सर सुबह का टाइम है, ठीक है, डे है, डे है, दिन का वक्त है, सूरज की किरणें दोनों पे पड़ रही हैं, ठीक है, गर्म जल्दी कौन होगा सर, लैंड, लैंड हीट हो गया, हीट अप हो गया, लैंड हीट अप हो गया, मतलब यहाँ पे हीट आ गया और पानी अभी भी ठंडा है। सर लैंड हीट हो गया मतलब उसके आसपास के जो एयर है वो भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा सर, वो भी गर्म हो जाएगा, और गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है, मतलब यहाँ का एयर क्या बोलेगा कि मैं तो चला ऊपर, यहाँ का जो हवा था वो क्या बोलेगा, अपलिफ्ट होगा, वो अपलिफ्ट होगा। अब बताइए कोई चीज अपलिफ्ट होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर, सर लो प्रेशर, देख रहे हैं अभी भी मैं हाई और लो में कंफ्यूज हूँ, ठीक है, लो प्रेशर। और सर पानी अभी ठंडा है, पानी अभी ठंडा है मतलब यहाँ का जो एयर है वो अपलिफ्ट नहीं कर रहा है, यहाँ का जो एयर है अपलिफ्ट नहीं कर रहा, और मैंने बताया जहां पे भी ठंडा वाला जगह है वहां पे कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। नाउ हवाएं हाई टू लो बहेगी कि नहीं बहेगी, देखिए प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब हवाएं बहना स्टार्ट, हवाओं की तरह मैं बहने लगी हूं, देखो हवा बहने लगा। नाउ टेल मी ये हवा किधर से किधर बह रहा है, सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये हवा आपको किधर से बहते हुए दिख रहा है, सी के तरफ से बहते हुए दिख रहा है कि लैंड की तरफ से बहते हुए दिख रहा है, किधर से बहना स्टार्ट हो रहा है, सी से। और जीवन में मैंने कल ही शायद बोला था कि जिधर से हवा बहेगा उस हवा का नाम उधर से हो जाएगा, मतलब ये कैसा हवा है सर, सी ब्रिज, सी ब्रिज, सी ब्रिज। बोलिए सी ब्रिज एग्जाम में पूछेगा आपसे कि रात को बहता है, ट्रू या फॉल्स, सी ब्रिज इज एसोसिएटेड विथ डे, इट इज एसोसिएटेड विथ डे टाइम, ठीक है, सुबह में बहती है सर, ठीक है, समझ में आया, क्या क्या बताया था सर, ये हीट सब फास्टली, ये हीट जल्दी हो जाता है और इसको हीट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, दिन भर सूरज का किरण, सूरज का हीट आते रहा, लैंड गर्म हुआ, लैंड गर्म हुआ, लैंड रात तक ठंडा भी हो जाता है, लैंड जो है वो रात तक ठंडा हो जा रहा है, लेकिन अभी अभी तो पानी गर्म हुआ है, अभी अभी तो पानी गर्म हुआ है, क्यों, क्योंकि सर ज्यादा टाइम लगा, मतलब शाम तक, दिन भर ये हीट लेगा सूरज से और शाम शाम तक मतलब रात रात तक ये गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, मतलब अब रात का कंडीशन, सूरज चाचा चल चुके हैं, सूरज चाचा नहीं है अब, ठीक है, ये है हमारा लैंड, दिस इज लैंड एंड दिस इज पानी, दिस इज पानी, ठीक है, पानी। अब ज्यादा गर्म कौन है सर, ज्यादा गर्म कौन है, पानी, क्यों पानी गर्म है, क्यों पानी गर्म है सर, दिन भर ये टाइम लिया गर्म होने का, दिन भर ये टाइम ले रहा है सूरज का रोशनी को अपने अंदर कंज्यूम किया, गर्म होने का, गर्म होने के लिए कंज्यूम, उतना हीट कंज्यूम किया, ठीक है, और अभी वो पानी गर्म है। और सर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया यहाँ पे घर है इसलिए ये लैंड है, ठीक है, ये जो लैंड का एरिया है ना ये सुबह में ही गर्म हो गया था और सर शाम आते आते ठंडा भी हो गया, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है, मतलब अभी गर्म कौन है सर, पानी, वाटर। लो प्रेशर आपको कहाँ दिखेगा, लो प्रेशर, बोलो समझ में आया सर, यहाँ का पानी गर्म है मतलब इसके आसपास की पौने जो एयर है वो भी गर्म होगा, एयर गर्म होगा तो क्या होगा, अपलिफ्ट करेगा और यहाँ पे कैसा जोन बन जाएगा, लो प्रेशर जोन, ठीक है, लो प्रेशर जोन। और सर लैंड, लैंड जो है ये गर्म था लेकिन उतना जल्दी रात को ठंडा भी हो गया, मतलब यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे कैसा जोन बनेगा, हाई प्रेशर, मतलब रात को हवाएं कहाँ से बहती हुई दिखेंगी, यहां से ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब देखो हवा कहां से बहती हुई दिख रही है, स्टार्ट कहां से हो रही है बहना, लैंड से किसी से, सर लैंड से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैंड ब्रिज। नाउ लैंड ब्रिज इज एसोसिएटेड विथ नाइट, लैंड ब्रिज जो है ये रात को बहता है, समझ में आया सभी को? लैंड ब्रिज जो है वो रात को बहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, टॉपिक है माउंटेन ब्रिज, हेडिंग डालिएगा माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज, माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज, ठीक है। माउंटेन ब्रिज वैली ब्रिज ये क्या है, अब ये क्या आप सयाप्पा है, सुनिएगा क्या सयाप्पा है। ये है माउंटेन, बचपन में बहुत ऐसा माउंटेन बनाया है हम लोग, ठीक है। सर ये क्या है, सर ये है माउंटेन, पर्वत, और ये क्या जगह है, घाटी, वैली। सबको दिख रहा है दोस्त, घाटी, घाटी, वैली, ठीक है। इसी बीच में आप लोगों से पूछ लेता हूं कि वी शेप वैली किसके द्वारा बनाया जाता है, वी शेप वैली किसके द्वारा बनाया जाता है, एजेंट कौन होता है, वी शेप वैली किसके द्वारा बनाया जाता है, एजेंट कौन होता है। हाँ सी, सी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, सी, वी शेप वैली सी से बनाया जाता है, यही मेरा तैयारी है, यही मेरा तैयारी हो रहा है। हाँ। चलिए रिवर्स होता है, रिवर्स, रिवर, ठीक है। तो माउंटेन और यह है वैली। अब सूरज चाचा आ गए, ठीक है, सूरज चाचा आ गए, सुबह का वक्त है, डे टाइम है, लाइट गिर रहा है, ठीक है, लाइट गिर रहा है, दोनों पे लाइट गिर रहा है। आपको क्या लगता है जल्दी गर्म कौन होगा, माउंटेन ज्यादा गर्म होगा कि वैली ज्यादा गर्म होगा, जल्दी कौन ज्यादा गर्म होगा, जल्दी गर्म कौन होगा, सर माउंटेन होगा। क्यों, देखिए ना, ये सूरज चाचा से थोड़ा सामने भी है और लाइट भी अच्छा मात्रा में उनको मिल रहा है, हीट भी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, दैट्स व्हाई गर्म कौन हो जाएगा सुबह सुबह, मतलब पूरे दिन में गर्म कौन हो जाएगा ज्यादा, माउंटेन, माउंटेन ज्यादा गर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ का हवा क्या कर जाएगा सर, अपलिफ्ट कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, एयर जो है वो ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ पे कैसा जोन बन गया, लो प्रेशर का, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन गया। और सर वैली जो है ना अभी गर्म नहीं हुआ है, गर्म नहीं हुआ है मतलब क्या, अभी भी ठंडा है, अभी भी ठंडा है, कूल ही है, अभी भी कूल ही है। तो जहां पे भी कोल्ड कंडीशन, कूल कंडीशन दिखता है, कोल्ड कंडीशन दिखता है, वहां पे कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, वहां पे हाई प्रेशर। नाउ हवाएं आपको कहां से बहती हुई दिखेंगी, सर हवाएं कहां से बहती हुई दिखेंगी, विंड कैसे बहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब जब भी आप पहाड़ी इलाके में देखेंगे, जब भी आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, जब भी कभी जाइएगा, ठीक है, और उसके चोटी पे जाके बैठिएगा, आपको फील होगा ना कि नीचे से हवा आ रहा है ऊपर, नीचे से हवा ऊपर आ रहा है, जो घाटी से जो है ना वो हवा ऊपर आ रहा है दिन के वक्त में, कभी फील कीजिएगा। सर ये हवा किसके साइड से आ रहा है, वैली से आ रहा है कि माउंटेन से आ रहा है, सर वैली से आ रहा है, दैट इज वाई इट्स को क्या बोलते हैं, वैली ब्रिज, तो क्या बोलते हैं, वैली ब्रिज। मतलब सर वैली ब्रिज सुबह दिन से एसोसिएटेड है कि रात से, इट इज एसोसिएटेड विथ डे,
इट इज एसोसिएटेड विथ डे। बोलिए समझ में आया सभी को? कभी जाइएगा माउंटेन वगैरह में तो फील कीजिएगा कि जो चोटी है ना, जो माउंटेन का क्लिफ है, वहां पे जाके आपको फील होगा कि मतलब नीचे से हवाएं बह रही है सुबह के वक्त में, दिन के वक्त में। सर अब रात हो रहा है, ठीक है रात हो रहा है, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। हाँ सर ये जल्दी गर्म हो गया था, ये गर्म जल्दी हो गया था, लेकिन इसको टाइम लगा था गर्म होने में। मतलब ये जल्दी गर्म हो गया, ये मतलब सोचिए कि 12 बजे ही गर्म हो गया है, और ये शाम को 6 बजे गर्म होना ही स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा गर्म कौन होगा? सर ये 12 बजे स्टार्ट हो गया था, इसका गर्मी खत्म हो गया होगा अभी तक। मतलब यहाँ पे कैसा कंडीशन? कूल का कंडीशन, कोल्ड कंडीशन दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे सर सर अभी अभी तो गर्म हुआ है, सूरज चाचा चले गए हैं, रात का कंडीशन बता रहे हैं हम आपको, सूरज चाचा तो चले गए हैं। सर यहाँ पे कैसा हो जाएगा? सर अभी अभी तो गर्म हुआ है सर, दिन भर ये नाइट का कंडीशन है, ठीक है, दिन भर गर्मी था, दिन भर गर्म होने का कोशिश किया है, अभी अभी तो गर्म हुआ है सर, तो अभी गर्म है ये और ये ठंडा हो गया है, ठीक है। नाउ सर यहाँ पे गर्म हीट मतलब कैसा प्रेशर? लो प्रेशर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एयर है वो अपलिफ्ट कर जाएगा। सर यहाँ पे कोल्ड कंडीशन मतलब कैसा प्रेशर? लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। अब हवाएं कैसे बहेंगी? हवाएं कैसे बहेंगी? ऐसे हवाएं ऐसे बहेंगी, हवाएं ऐसे बहेंगी, हवाएं ऐसे बहेंगी, हवाएं ऐसे बहेंगी। नाउ यह था माउंटेन, ये था वैली, आपको किधर से लग रहा है कौन किधर से हवाएं बह रही हैं, किस तरफ से हवाएं बहना स्टार्ट हो रहा है, माउंटेन से कि वैली से? माउंटेन से, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउंटेन ब्रिज। एग्जाम में पूछेगा माउंटेन ब्रिज रात से एसोसिएटेड है कि दिन से? सर रात से, रात से, ठीक है रात से एसोसिएटेड है, ठीक है रात से एसोसिएटेड है माउंटेन ब्रिज। समझ में आया सभी को? रात से एसोसिएटेड है माउंटेन ब्रिज। मतलब सर कभी भी रात के वक्त जाइएगा ना तो जो वैली तरफ है ना घाटी में आपको फील होगा कि ऊपर से हवाएं आ रही है बहुत अच्छे स्पीड में, बहुत अच्छा स्पीड में हवा चल रहा है। नाउ सबको समझ में आया? मतलब वैली ब्रिज जो है ये दिन से एसोसिएटेड है और माउंटेन ब्रिज जो है ये रात से एसोसिएटेड है। सर इन दोनों का एक और नाम है। अच्छा सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दोस्त जो है यहीं पे पागल खड़ा है, ठीक है आप क्लिफ में पहुंच गए, आप एकदम चोटी में पहुंच गए माउंटेन का, लेकिन आपका दोस्त जो है ना वो डर रहा है ऊपर आने से, तो आप क्या बोलिएगा ऊपर पहुंच के? अरे आना यार कुछ नहीं होता यार, आना आना आना। याद रखिएगा वैली ब्रिज को क्या बोलते हैं? एनाबेटिक, एनाबेटिक। ये क्या है आपको बस वर्ड याद रखना है, एनाबेटिक। एनाबेटिक मतलब अरे ऊपर आना, अरे आना आना आना। देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा होकर आप आना आना चिल्ला रहे हैं और नीचे से कौन आ रहा है? वैली ब्रिज आ रहा है। आना आना मतलब वैली ब्रिज को क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबेटिक, 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 एनाबेटिक। आना आना ऊपर आना, ऊपर आना। सर ये अपस्लोप से कनेक्टेड है कि डाउन स्लोप से? अपस्लोप मतलब ऊपर से, ऊपर जाने से रिलेटेड है कि डाउन जाने से? सर अपस्लोप से, अपस्लोप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबेटिक। बोलिए समझ में आया आप लोग को? एनाबेटिक का मतलब टेक्निकल टर्म, मतलब अपस्लोप का जो टेक्निकल टर्म होता है ना वो एनाबेटिक, एनाबेटिक। आई होप अगर आप समझे कि क्या ऊपर आने को बोल रहा हूं मैं। भैया आप यहाँ पे खड़े हैं, पवनों को अपनी तरफ बुला रहे हैं कि आना, अरे आना 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 आना, एनाबेटिक। सर माउंटेन ब्रिज को क्या बोलते हैं? ये सर अपस्लोप है कि डाउन स्लोप है? डाउन स्लोप है, नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए डाउन स्लोप। इसीलिए इसका एक नाम है टेक्निकल टर्म, उसको बोलते हैं हम लोग कैटाबेटिक, कैटाबेटिक।
कैटाबेटिक तो याद नहीं हो रहा है, आप सिंपल याद रखिए कि दो गो ब्रिज पड़े हैं, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। अगर वैली ब्रिज मेरा अनाबेटिक है तो माउंटेन ब्रिज क्या हो जाएगा? कैटाबेटिक हो जाएगा। बोलिए, टेक्निकल टर्म्स भी समझा दिया मैंने, समझ में आया सभी को? अब सुनना यार थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा जीवन में कुछ नया होने वाला है। क्या नया होगा सुनिएगा ध्यान से। सर ये है माउंटेन ब्रिज जो कि दिन के वक्त बहता है, ट्रू या फॉल्स? माउंटेन ब्रिज जो है ये दिन के वक्त बहता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, झूठ, झूठ है ये, ठीक है, फॉल्स। दिन के वक्त नहीं, रात के वक्त बहता है सर, ठीक है, रात के वक्त बह रहा है। अब क्या हो रहा है सर कि देखिए यहाँ पे अभी गर्म हवाएं हैं, वैली में मैंने बताया कि वैली अभी जल्दी अभी ठंडा गर्म हुआ है, क्योंकि सर इसको गर्म होने में टाइम लगा, सूरज की किरणों किरण यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा, इसको हीटअप होने में टाइम लगा, कि ज्यादा हीट नहीं मिल रहा था इसको सुबह के वक्त में, तो दिन भर ये हीट को कंज्यूम किया, तो रात के वक्त ये रात तक, रात होते होते ये बहुत ज्यादा हीटअप हो गया, ठीक है, हीटअप हो गया, मतलब यहाँ का पवन जो दिख रहा है आपको, यहाँ का पवन कैसा दिखेगा सर आपको? गरम 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 पवन दिखेगा। यहाँ पे जो हवा है अभी वो कैसा है, यहाँ पे जो हवा है वहां पे कैसा है सर? गरम हवा है, गरम हवा है। और सर ये ऊपर में हवा कैसा है अभी? ऊपर में मैंने बताया सर, शाम तक आते आते ये ठंडा हो जाएगा, मतलब माउंटेन ब्रिज जो है वो ऊपर से कैसी हवा लेके आ रहा है सर? कोल्ड एयर लेके आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, रात का वक्त है सर, ठीक है, रात का कंडीशन है। सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे हॉट एयर है और यहाँ पे कोल्ड एयर है। रात के वक्त मैंने बताया कि माउंटेन ब्रिज चल रहा है, माउंटेन ब्रिज चल रहा है, माउंटेन ब्रिज चल रहा है, माउंटेन ब्रिज, माउंटेन ब्रिज के चलने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ का कोल्ड एयर नीचे को आ रहा है, यहाँ का कोल्ड एयर नीचे को आ रहा है, और कोल्ड एयर सर इधर से भी तो आएगा ना, कोल्ड एयर नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, और कोल्ड एयर नीचे आके पता है क्या करता है, ऐसे मारता है, कोल्ड एयर नीचे को आता है और हॉट एयर के साथ टकराता है। मैंने बताया है हमेशा आपको कि हॉट एयर और कोल्ड एयर कभी भी मिक्स नहीं होगा सर, तो क्या होगा, कोल्ड एयर नीचे रह जाएगा और हॉट एयर ऊपर को उठ जाएगा। याद कीजिए 60 डिग्री नॉर्थ, याद कीजिए कैसे बना था, कोल्ड एयर हॉट एयर एक दूसरे से टकराएगा तो मिक्स नहीं होगा, हॉट एयर जो है वो अपलिफ्ट कर जाएगा, तो सर हॉट एयर यहाँ से ऊपर उठ जाता है, मतलब यहाँ पे आपको हॉट एयर दिखेगा और उसके नीचे क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, अरे बोलो भाई, हॉट एयर ऊपर हो गया, नीचे में कोल्ड एयर देखने को मिल जाएगा, समझ में आया सभी को, नीचे में कोल्ड एयर देखने को मिल जाएगा, गरम गरम हवाएं ऊपर दिखेंगी और नीचे दिखेगा ठंडा, मतलब अच्छा आप यहाँ पे खड़े हैं, ए जगह पे खड़े हैं और आप बी जगह पे खड़े हैं, आपको ठंडा कहाँ लगेगा, आपको ठंडा कहाँ लगेगा, आपको गर्मी कहाँ लगेगा? सर एक दिन आप पढ़ाए थे याद है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ा रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे ठंडा लगने लगता है, ठीक है, ऐसा पढ़ा था हमने नॉर्मल लैप्स रेट, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उसके विपरीत हो रहा है सर, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो टेम्परेचर भी बढ़ने लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, देख रहे हैं आप, देखिए हाँ, यहाँ पे आपको ठंडा लगेगा लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको गर्मी का एहसास होगा। सर इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर
इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब सर दुनिया बदल, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सारे रिश्ते बदल दिए, नाते बदल दिए, सब कुछ खत्म कर दिया जब तुमने आके मेरे को बोल दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। सर सब कुछ बदल गया, इन्वर्जन हो गया सब चीज का, जहां पे इतना सारा सब कुछ था वो खत्म हो गया। अब मतलब सर आइडियली ऐसा होना चाहिए था, आइडियली हमारे बीच में प्यार था, लेकिन जिस वक्त तुमने ये लफ्ज बोला सब कुछ उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्जन हो गया। समझ में आया? मतलब माउंटेन ब्रिज, माउंटेन ब्रिज के कारण कैसा चीज आ रहा है सर? माउंटेन ब्रिज के कारण क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। समझ में आया कि दुनिया में टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे 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 एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता नहीं है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मतलब ऊपर में आपको गर्म हवा दिखता है और नीचे में ठंडा हवा दिखता है। बोलो भैया समझ में आएगा? समझ में आया क्या टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? और टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ये वैली ब्रिज से रिलेटेड है कि माउंटेन ब्रिज से? ये समझ में आया सबको? नॉर्मल लैप्स रेट और टेम्परेचर इन्वर्जन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया? इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आप अगर यहाँ पे घर घर बनाएंगे, आप ए वाला जगह में घर बनाइएगा कि बी वाला जगह में घर बनाइएगा? प्रैक्टिकल अगर आप माउंटेन जगह में रह रहे हैं तो आप घर कहाँ बनाइएगा, ए वाला जगह में बनाइएगा कि बी वाला जगह में बनाइएगा? सर सब कोई ए वाला जगह में बनाता है। क्यों 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 बनाता है ए वाले जगह में? इसलिए बनाता है क्योंकि रात के वक्त अगर बी वाले जगह में कोई कंडीशन, बी वाले प्लेस पे अगर कोई घर बनाया ना, तो रात के वक्त वहां पे इतना ठंडा हो जाता है कि वहां पे कोई रह ही नहीं पाएगा, वहां पे रह ही नहीं पाएगा, इतना ठंडा हो जाता है। इसीलिए सर थोड़ा गर्मी मिलता रहे उन लोग को, इसीलिए उन लोग थोड़ा हाइट पे घर बनाता है। आप लोग देखिएगा जितना भी माउंटेन वाला इलाके में जो घर उर बनता है ना, वो थोड़े हाइट पे बनाया जाता है, एकदम घाटी पे नहीं बनाया जाता है, एकदम घाटी पे नहीं बनाया जाता है। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो देखना, ठीक है? तो आज ये लोकल विंड का खत्म नहीं है, ठीक है? ये लोकल विंड का एंड नहीं है, लोकल विंड्स और भी हैं, पूरे दुनिया में कितने का टाइप के लोकल विंड्स हैं वो हमें कल देखना है, तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया या फिर नहीं आया? आज मैं यही तक करूँगा, ठीक है? जिसको प्रॉब्लम